दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बाकी के दोस्तों को भी शेयर करना, और सेशन अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है दोस्तों, देखिए हमारे देश में कभी लोकसभा के चुनाव होंगे, कभी राज्य विधानसभा, ठीक है, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, तो इसमें क्या है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, ऐसा कुछ प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, ये बिल जल्द ही पास पेश होगा और पास भी हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें संविधान में भी चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति का गठन कब किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सितंबर 2023 में ये समिति का गठन किया गया था, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। तीसरा क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने किस वर्ष से पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, अभी कुछ ही दिनों में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। सही आंसर रहेगा 2029 से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है इसका। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, कभी राज्यों के हो रहे हैं, कोई स्थानीय निकाय के हो रहे हैं, ये सब सारे चुनाव एक साथ हो जाए, ऐसा इसका एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय का एक साथ चुनाव होना, ये यानी कि पहला ही जो पॉइंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कब हुए थे। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये पहली बार बिल आया है, पहले ऐसा ही होता था। यानी कि जो पहले इलेक्शन हुए थे कब हुए थे, 1951-52 में, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के द्वारा ही हुए थे। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, फिर वो भी मैं बताऊंगा कब वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए, हर टॉपिक का हर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उससे संबंधित क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारी मास्टर पीडीएफ के बारे में। बहुत सारे एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस है ना, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी अग्निवीर की परीक्षा हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमने मास्टर पीडीएफ बनाई है। आप लोग अगर मास्टर पीडीएफ लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो 170 रुपीज़ में ये सारे सब्जेक्ट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ और स्टैटिक जीके की पीडीएफ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अगर मैं केवल इन दोनों के प्राइस भी बताऊं तो आपको 120-130 रुपये इन दोनों के प्राइस रहेंगे, बट 170 रुपये में ये तो सब कुछ मिलेगा ही, उसके साथ में दोनों पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ये हमारा ऑफर है बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, जल्दी इसके प्राइस 200+ हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से जिन बच्चों को पीडीएफ लेनी है, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करना कि सर बारकोड भेज दीजिए, हमें पीडीएफ लेनी है मास्टर पीडीएफ, ठीक है, या फिर इस बारकोड पर पेमेंट करके पीडीएफ ले लीजिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 6ठा क्वेश्चन है भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुए थे। मैंने बताया कि शुरुआत हुई थी 1951-52 में, जब से हमारे देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, तो उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव वाला, ये कब समाप्त हो गया था, 1967 में। तो 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 रट लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना। 7वां क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति में कितने सदस्य थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कितने सदस्य थे। राइट आंसर रहेगा 7। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष मैंने जैसे आपको बताया रामनाथ कोविंद जी, ठीक है,
इसमें अब ये 7 सदस्य है कौन कौन, एक बार मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे से, आप लिख लीजिए या तो कहीं पे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति में 7 सदस्य, रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष, दूसरे नंबर पर संजय कोठारी, तीसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह, चौथे नंबर पर है हरीश सालवे, पांचवें नंबर पर है एनके सिंह, छठे नंबर पर है डॉक्टर सुभाष कश्यप, सातवें नंबर पर है गुलाम नबी आज़ाद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 सदस्यों की जो कमेटी थी, ठीक है, इससे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सिफारिश की है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रावधान करता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 172, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना आप इम्पोर्टेंट लगाए उसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2 अनुच्छेद इसमें छेड़े जाएंगे, जो कि मैंने एक तो पहले ही बताया आपको, 172वां जो अनुच्छेद है ये मतलब इसमें संशोधन होगा 83 में, यानी कि 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ये सी रहेगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये अनुच्छेद 83 करता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 83 और 172 में क्या आता है वो भी मैंने बता दिया। चले 11वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस देश में केंद्र और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं? इम्पोर्टेंट है भाई, अब ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर हम इस कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे GST पर क्वेश्चंस बनते थे कि सबसे पहले किस देश में लगा, या कौन कौन से देश ऐसे जो GST लागू करते हैं, तो इस पर भी पूछे जाएंगे। सही आंसर रहेगा ब्राज़ील है, कोलंबिया है, फिलीपींस है, उपरोक्त सभी रहेगा। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा, यानी कि चुनाव आयोग एक ही रहेगा? ये बताता है अनुच्छेद 324, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने कितने संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की है? प्यारे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 18 संशोधन, यानी कि राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन शामिल नहीं थे? अब जैसे मैंने 7 सदस्यों के नाम आपको बताए, ठीक है, उनमें से कौन सा नहीं था, अब ये भी पूछा जाएगा। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बन सकते हैं जिनमें से एक ये है। अब राजनाथ सिंह जी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने नहीं बोला था, बाकी ये तीनों थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मार्च 2024 में ही ये रिपोर्ट सौंप दी थी। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है, 100% आएगा अनुच्छेद 82 ए, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। सेशन अच्छा लग रहा है भाई, लाइक भी करते रहिए यार, काफ़ी अच्छा सेशन बनाया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। 17वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को संसद के किसी सदन से पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? देखिए, किसी भी संसद के किसी भी सदन से 2/3 भाग से बिल पास किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी? तो सही आंसर रहेगा बीपी जीवन रेड्डी, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2018 में किसके अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा BS चौहान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों 2। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था? सही आंसर रहेगा आर के त्रिवेदी। 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? सही आंसर रहेगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? चुनाव लड़ना दोस्तों एक चुनाव लड़ना भी और वोट डालना भी, ये एक संवैधानिक अधिकार है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुच्छेद 324 में आता है, ठीक है, आर्टिकल भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर रहेगा 25 जनवरी 1950 में। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है, किसी चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना होता है? सही आंसर रहेगा मतदान आरंभ के समय के 48 घंटे पहले, यानी कि राइट आंसर रहेगा डी, दो दिन पहले, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ समझ आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति में कितने सदस्य थे, ये आप लोग के लिए टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सेशन को पूरा देख लिया है और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एक बार ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करके विजिट कर लेना। टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे कम प्राइस में। और जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, ये 170 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी करंट अफेयर है वही 80 रुपये की है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो हम मास्टर पीडीएफ के साथ में फ्री दे देंगे अगर आप हमें इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, ठीक है। सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।